हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम अभी तैयारी में है खाना खाने की, और नितिन को मैंने फिर से बड़ी मुश्किल से उठाया है। और आज के प्लान्स भी बहुत ज़्यादा अलग है। आज हमें डुड्डू को छोड़कर आना है, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि कल के लिए हम बिजी हैं, हम कहीं कर रहे हैं। तो डुड्डू आज जाएगा, मतलब जा रहे हैं, तो डुड्डू आज जाएगा। और जो मैं कल कपड़े लाई थी, अगर उसमें से एक आधा कपड़ा मुझे नहीं आया तो मैं उसको चेंज कराऊंगी। और नितिन क्या लाना था, और नितिन के मेरे शूज लेने हैं एक एक पेयर, और नितिन नेल्स लगवाने हैं। देखते होगा मेरे को नेल्स का टाइम। वैसे मैंने अपॉइंटमेंट तो ले लिया है सुबह उठते ही नेल्स, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है। बट अगर टाइम लग गया इतनी सब के बाद भी, अगर मेरा मन करेगा तो मैं लगवा लूंगी, नहीं तो मैं अपने बर्थडे पे लगवा लूंगी। ठीक है, ऐसे कोई जिद वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं कल इतने कपड़े लेके आई हूँ। ठीक है गाइस, तो फटाफट जो भी हम करेंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैं उठा हूँ लेट, मुझे आज जाना चाहिए था कॉलेज। और यहाँ से आ रही है इतनी ठंडी ठंडी हवा, ये हमारा रूम का व्यू है। सच में तो अगर हम अभी एसी वेसी हमने बंद कर रखा, और अब देखो हम यहाँ अगर बैठे रहते हैं, ठंडी हवा की, डुड्डू को भी बहुत मजा आता है यहाँ पे। है ना, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है जब भी ठंडी ठंडी हवा आती है भाई यहाँ पे। वैसे ना तो बहुत धूप आती है, और जब वो होती है ना समर्स होती है तो फिर तो मेरे गेट पे धूप पड़ती है। खाना आ गया है जिसके अंदर कढ़ाई पनीर है, दही है, और अपना फेवरेट सलाद और प्याज है और रोटी है। तो फटाफट से अपना खाना करते हैं खत्म। अब शिवानी आएगी, शिवानी को दिखाऊंगा, क्योंकि यार मैंने आज शेक नहीं पिया क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा, तो मैं इसलिए खाना वाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद अपना रात को शेक वगैरह पी लेंगे। और डुड्डू जो है ये जाएगा आज अपने घर पे, घर जाना है। मुंह देखो इसका, मुंह देखो भाई। ये भी खाना लेके आ गई अपना। और यार ये लड़की जो है ना, इस बेचारी का हाथ कटा पड़ा है किसी रीजन से, कट के दिखाओ। पिछले ब्लॉग में दिखाया था हमने, नहीं ये देखो दिखाया था, हाथ कटा पड़ा है इसका पूरा, ये थोड़ा डीप कट गया। और फिर भी इतनी मेहनत से रोटी बना रही है तू यार। मैं बाथरूम साफ कर रही थी, वो लोहे की पत्ती होती है ना, वो मेरे हाथ में चली गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आराम से करा कर, अब दर्द कितना हो रहा है तुझे, खीरे में मसाले डाल रही है। इसलिए मैंने आज, पता मैंने कैसे आटा लगाया, उल्टा एक हाथ से, एक उल्टा हाथ से। टैलेंटेड तो तू है वैसे बहुत ज्यादा। सो गाइस, फिर से हो रहा है मौसम ऑसम, ये देखो कितने काले बादल हो रहे हैं। और अभी हम चलते हैं, लोगों को बाय बाय करते हैं दो दिन के लिए, क्योंकि मेरा बाबू हमारे साथ नहीं जा सकता है, ना ही वो ले जाते। मैं एक दिन में ऐसी जगह जाऊँगी फिर मैं जहाँ पर डॉग, और इस थोड़ा बहुत सामान है, इसका मुझे अपनी एक पैंट चेंज करवानी है तो वो भी करवा लेंगे। तो गाइज हम घर पे आ गए हैं, क्योंकि हमें घर आना पड़ा डुड्डू के लिए, डुड्डू के लिए नहीं बल्कि हम भीग गए हैं। मैंने ये लोअर पहना है अपना, और मैं अपनी पैंट सुखा रही हूँ। पूरे रास्ते बारिश बहुत कम कम थी, लेकिन पीरागढ़ी में आके बारिश बहुत तेज हो गई। और नितिन ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए। इधर आपकी टी शर्ट कहाँ है दादी, बात कर रही हूँ। नितिन की टी शर्ट देखो पूरी भीग गई है ये, तो मैं इसको प्रेस से सुखाऊंगी, फिर फटाफट 5-7 मिनट में हम निकलेंगे। और भाई आते ही ये ढूंढ रहा है स्वीटी को, डुड्डू पूरे घर में स्वीटी को ढूंढ के आ गए। डुड्डू स्वीटी कहाँ है, स्वीटी कहाँ गई, स्वीटी कहाँ चली गई, चढ़ा दो आप। डुड्डू स्वीटी कहाँ गई भाई, ये पूरे घर में स्वीटी को ढूंढ के आया पर स्वीटी से नहीं मिली मेरे बच्चे को। और ये लड्डू गोपाल से नितिन मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई मेरी स्वीटी की तो जगह हो गई है खाली, मेरी स्वीटी यहाँ बैठा करती थी, लेकिन अभी ये शेरू, डुड्डू और कालू तीन बच्चे हमारे पास। क्या से क्या प्लान बन गया ना, हमने सोचा नीचे छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारा ये है ये काम, मेरा क्या काम है, चल 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 चल। क्या रिश्तेदारी में आया, एक धोखा पी लेंगे, और रिश्तेदार। तो गाइस डुड्डू को हमने छोड़ दिया है, और हमने लगा था कि हम बारिश में भीगेंगे नहीं, और हम सारे भीग चुके हैं बारिश में, क्योंकि आज इतनी बारिश आ रही है, इतनी बारिश आ रही है बहुत ज्यादा, पिप्पू बरसा पानी। और ये देखो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, रोड गीले और आसमान काला। मकान में हम घर लेने वाले आगे वाले टाइम में, कह रहे हैं हम घर लेने वाले आगे वाले टाइम में, 10 करोड़ का एक फ्लोर है हम ले लेंगे रेजा में। सारी किडनी बिडनी बेच के, किडनी बिडनी बेच के नहीं,
मैं तेरे मुंह से। इतनी बेइज्जती की नौबत ही नहीं आएगी। गाइस हम आ गए हैं वापस चेंज कराने के लिए। मैं पैंट लाई भी हूँ चेंज के लिए लाई हूँ। और ये हमारा सिंहासन देखो ताकि हमारे कपड़े गीले ना हो। सिंहासन हटा दो हमारा, कई करोड़ों कपड़ा है। और है इसी कपड़े से। चलो एक्टिंग बाजी बहुत करते हो आप। दोबारा स्टूडियो आ गए। और ये देखो तेरे को चेंज करवाना था ना खाली। अरे ये बस देखो कैसे है। ठीक है अच्छा ओके 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 भाई तुम्हें चेंज करवाना था। चलो ना सीधा अब चले। अब अच्छा लोअर ले लो, दूसरा कलर होगा ना इसमें। तो अब हो रहा है यहाँ पे बिल, थोड़ी बहुत चीजें भी ले लिया। बस बस दिखाओगे इसने क्या कर लिया है ना। मैंने सिर्फ एक पर्ची। मैं तो बाहर से इत्र लूंगी। इत्र आई लव इत्र। ओके ये पता नहीं क्या इतने परफ्यूम पड़े हैं। पता नहीं क्या परफ्यूम इत्र लिया करो। ये झोला भर गया है। नहीं भरा तो नहीं यार। तो गाइस मैं आ गई यहाँ पे सैलून में हेड वॉश कराने और नितिन मेरा वेट कर रहा है तो मैं करवा लेती हूँ फिर चलती हूँ। तो गाइस हमने यहाँ से ले लिया अपने लिए इत्र। और देखो कितने प्यारी प्यारी बॉटल्स हैं यहाँ पे। अब हम यहीं पे आने लग गए हैं लेने के लिए। और थैंक यू। यहाँ पे लिए जा रहे हैं भाई शूज़। और आप लोग बताना आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो वो वाले अच्छे लग रहे हैं। कौन से अच्छे लग रहे हैं नितिन? बढ़िया है। दोनों अच्छे लग रहे हैं पर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई हमारे साथ एक सीन हो गया है जहाँ मैंने हेड वॉश कराया था वो बंद हो गया है और हम चले गए थे कहीं और मेरा सामान रह गया अंदर। तो मैंने अभी ओनर को कॉल कर रहा है, वो देखती है। और उसके अंदर मेरी मेन जीन्स है जो मुझे पहननी है, मेरा टॉप है। मैं क्या करूँ अब यार, शटर बंद हो गया। अभी 10 मिनट पहले ही निकले हैं वो। और ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने इतना ये भी मेरी वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने इतना प्रेशर बनाया। जल्दी 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 मैं भूल गई सामान अंदर। वाओ अब मैं क्या पहनूंगी यार, मेरी मेन जीन्स ही उसके अंदर है। देख लेंगे वो जाएगा। गाइज हम घर आ गए और मेरे दो पार्सल भी आ गए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो है ये, मैंने मेकअप बैग मंगाया था, मतलब छोटी सी अपनी वैनिटी मंगाई थी तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और मेरे पास ना मतलब ऐसी थी भी नहीं है मेरे पास, पर अब सामान ज़्यादा हो गया है और स्पेस कम हो गई है तो मैंने ये मंगाई थी। और एक मैंने ये ब्रश मंगाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब एकदम मस्त लग रहा है प्रीमियम का और अच्छे है, मतलब इसके ब्रशेल्स भी मतलब काफ़ी प्यारे हैं। तो ये दो चीज़ तो मेरी ऑर्डर से आई है आज ही, तो मैं इसको ले आई नीचे से फटाफट। बाकी जो शॉपिंग करके लाई वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिंपल सी मैं चप्पल लाई अपने घर के लिए क्योंकि यार मेरे घर में ख़राब हो गई चप्पलें अब, तो मैं एक ये लेकर आई हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ और क्या लाई थी मैं। और हाँ इसमें नितिन के जो है शूज़ हैं, अब वैसे तो कल पहनेंगे तो आप देख ही लोगे पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं उनके लिए शूज़ दिला के लाई हूँ, मुझे उस टाइम यही अच्छे लग रहे थे तो मैंने यही वाले उनको दिलाए हैं। तो अभी भाई पैकिंग वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। दिमाग वैसे ही बहुत ख़राब हो रखा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और एक ये दो हम इत्र लेके आए हैं अपने। नितिन मतलब इत्र कम लगाते हैं, परफ्यूम ज़्यादा लगाते पर फिर भी वो ले आए क्योंकि मैं लेके आई ना इसलिए। तो मैं आपको पहले मेरे वाला दिखाती हूँ भाई। मेरे वाला तो कोको शनेल, मतलब उसकी जैसी मतलब फ्रेगनेंस है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो कोको शनेल वैसे काफ़ी महंगा आता है, 10 के से उसकी स्टार्ट होती है। लेकिन ये भाई इसकी बहुत बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये छोटी सी पोटली में मेरे लिए क्या है। और ये है नितिन का, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये नितिन का है इत्र। और भाई हमें तो मेरे को तो इनकी बॉटल इतनी प्यारी लगती है ना कि बस क्या बताऊँ, मैं 10-15 और ख़रीद सकती हूँ। बट इसकी फ्रेगरेंस मेरे लास्ट वाले से भी अच्छी है। तो ये थी हमारी गाइस शॉपिंग। वैसे गाइस शॉपिंग तो मेरी थोड़ी और भी थी जो मैंने आज मतलब अपना एक्सचेंज कराया था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जीन्स एक्सचेंज कराई थी। और जो मेरा सामान सैलून में रह गया था तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, उनका नंबर मांगा मैंने आस पड़ोस से जो शॉप थी, और फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो बहुत दूर रहते हैं, बट वो इतने स्वीट हैं कि उन्होंने
रात को 10:30-11 बजे करीब उन्होंने मेरे लिए वो लड़की जो स्टाफ की लड़की थी उसको बुलाया, वापस सैलून ओपन कराया और मुझे मेरा सामान वापस दिया। तो अगर वो व्लॉग देख रहे हो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। मेरे मेन कपड़े ही उसी के अंदर थे, सच बताऊँ तो उस पॉलीथीन के अंदर। मेरी गलती थी, मैं भूल गई थी, क्योंकि नितिन ने मुझे इतना प्रेशर डाल दिया, आ जा बाहर आ जा, भाई दिमाग ख़राब हो गया। मेरे को लग रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ, पर मैं जब चली गई दूर तब मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल गई हूँ। तो भाई फिलहाल तो मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास है ये वाला बॉडी मिस्ट और ये वाला छोटा सा इत्र, बाहर भी आ रही है इसके, तो बहुत 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 ही ऑसम है। मैं आपको फ्रेग्रेंस, मैंने आपको बता दी क्या है, वैसे अपनी बताने नहीं चाहिए यार, बट मैं बता देती हूँ, कोई नहीं। तो गाइस करते हैं इस व्लॉग का यहाँ पर एंड। आई नो हम अभी भी डेली व्लॉग्स नहीं डाल रहे, बट हम मेन जो एक्टिव इंस्टाग्राम पे रहते हैं। अगर आपको मैं इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो जाकर इंस्टा पे हमें फॉलो कर लो। द नरेंद्र सिंह इंस्टाग्राम आईडी है नितिन की और मेरी, उनकी फॉलोइंग में आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो आप जाके सर्च कर लेना। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, कल हम जा रहे हैं, हम खुश हैं। और वैसे तो बहुत दिमाग में टेंशन है, बहुत चीज़ें हैं, पर उन्हीं सब टेंशन को इग्नोर करते हुए, सब टेंशनों को पीछे छोड़ते हुए 2-3 दिन आराम से चिल फन करेंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा टेंशन फ्री रहना। 24 घंटे टेंशन में रहेंगे तो सर फट जाएगा हमारा। और आप लोग भी अगर कोई टेंशन है, टेंशन करो, इग्नोर, अपनी मस्त लाइफ जियो। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल।